बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, होप सो यू आर फाइन एंड योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। टुडे आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट द स्टडी प्लान ऑफ बीडीएस सेकेंड ईयर। 60 डेज़ का जो है वो टाइम टेबल मैंने बनाया है, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि आप 60 डेज़ में किस तरह से अपना जो पूरा सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जिन्होंने पहले पढ़ लिया हुआ है उनका तो 60 डेज़ से पहले ही कवर हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने अभी बिल्कुल स्टडी स्टार्ट करनी है उनका जो है 60 डेज़ में ईजिली कवर हो जाएगा सिलेबस। और उसके साथ आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, और कितने मार्क्स पे हैं, कितनी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करती जाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हमारे पास फार्माकोलॉजी है जो कि लंबा है काफ़ी और डिफ़िकल्ट भी है। तो फार्माकोलॉजी जो है इसको आपने क्या करना है, 6 डेज देने हैं। ठीक है, उसमें अब आपके पास, अब जैसा कि हमारे पास जनरल फार्मा आ जाती है, जनरल फार्मा को आपने 2 डेज देने हैं। ठीक है, उसके बाद एनसेट्स, एनसेट्स जो है इनको आपने 1 डे देना है। ठीक है, एनसेट का सिर्फ एक ही चैप्टर है और उसी में से आपको 3 MCQs और 1 SCQ आना है। ठीक है, यानी कि अगर आप एनसेट्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से, उसकी एक थ्योरी जो है मतलब कि उसका जो चैप्टर है उसको एक रीड आउट दे देते हैं और देन आप उसका टेबल कर लेते हैं, तो आपको 1 मार्क आपके जो है 3 मार्क्स SCQ और 3 मार्क्स जो है SCQ और MCQs वो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद साथ आपने क्या करना है, CVS के पास पेपर्स कर लेने हैं। ठीक है, जो पास पेपर्स हैं उनमें CVS और ब्लड के इकट्ठे पास पेपर्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपने वो कर लेने हैं। ठीक है, CVS के पास पेपर्स कर लेने हैं सिर्फ, और उसके साथ आपने CVS का जो टेबल है लास्ट वाला वो कर लेना है। देन GIT को आपने 2 दिन देने हैं, क्योंकि GIT में 2-3 चैप्टर्स हैं, तो उनके टेबल्स आपने जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। मिनी कैटसन पे आई होप सो एक ही टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो आपने वो एक टेबल जो है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप 1 दिन में कर लेते हैं तो 1 दिन में कर लें, वरना आप जो है उसको 2 दिन भी कर सकते हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन को आपने 1 दिन देना है, और साथ में अपने ब्लड के पास पेपर्स और उसका जो टेबल है वो आपने कर लेना है। ठीक है, और इसकी जो गाइडलाइंस है वो भी अवेलेबल है कि आपने जो मैंने अभी कीमो की अपलोड की है कि कौन कौन सा चैप्टर उसमें से आप लोगों ने करना है, कौन से MCQ और SCQ के लिए चैप्टर्स और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सारी मैंने आपको बताई हुई है, तो आप वो वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी भी इंशाल्लाह जो है हर चैप्टर की वो अपलोड हो जाएंगी जल्दी से। ठीक है, उसके बाद आपने BS करनी है, ये आपने जब फार्मा 6 डेज कर ली उसके बाद BS आपने करनी है। ठीक है, BS का सेक्शन ए और सेक्शन सी जो है आपका बुक से उसको आपने सेक्शन ए और सेक्शन सी जो है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनको सिर्फ आपने एक दफा गो थ्रू करना है। ठीक है, अगर आप डेली के 3 आवर्स पढ़ते हैं तो ये आपका सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपको 3 आवर्स पढ़ना है। ठीक है, 3 आवर्स पढ़ेंगे तो आप जनरल फॉर्म अभी 2 दिन में कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास आ जाती है पैथो। पैथो जो है इसका भी आपने इस तरह से जो हमारे पास न्यूप्लेजिया है, न्यूप्लेजिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने कोशिश करना है कि 3 दिन में ही कंप्लीट करें और इसकी हर चीज़ कर लें। ठीक है, क्योंकि इसमें से MCQ ज़्यादा आने हैं, 2 SCQ आने हैं। ठीक है, और आपने इसको जो फिरदोस है वहाँ से कर लेना है, इसके पास पेपर्स कर लेने हैं, और जो आपकी रॉबिन है उसके जो समरी टेबल्स बने हुए हैं वो, और उसकी जो मॉर्फोलॉजी वाले टेबल्स हैं वो। ठीक है, आपने रॉबिन से सारे समरी टेबल्स कर लेने हैं, और जो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं वो कर लेनी है, और देन आपने फिरदोस जो है वो कंप्लीट करनी है न्यूप्लेसिया के लिए। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास जो 3 दिन होंगे उसमें आपने वायरोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पैरासाइटोलॉजी और जेनेटिक्स, इन तीनों के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं और पास्ट पेपर्स हैं, जब आप पास्ट पेपर्स खोलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। इनकी वीडियोज़ भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूंगी मैं, वो आपने वीडियोज़ देख लेनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपने कर लेना। ठीक है, तो ये आपकी 3 दिनों में इजीली हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद और ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये आपके पास पेपर से भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपने न्यू प्लेस किया जो है उसको 3 दिन देके अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाती है DM। DM को आपने डेली 1 चैप्टर देना है। ठीक है, जैसे वैक्सीज है, जिप्सम है, इन्वेस्टमेंट, इन सब टॉपिक्स में से 1 SCQ आना है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप 6 चैप्टर्स 6 दिनों में कर लेते हैं तो आपके 6 SCQs और हर चैप्टर में से 3 MCQs ऑलमोस्ट आने हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका हाफ पेपर जो है 40-50% पेपर जो है अगर आप 6 दिन में डेली ये वाले चैप्टर्स कर लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आप डेली इसको करें ताकि आपकी 50% तैयारी जो है वो 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जिधर से आपने पहले किया आप वहाँ से भी कर सकते हैं, शहीन अनुसत एक शॉर्ट बुक है वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में अपने पास पेपर्स जो हैं हर चैप्टर के साथ वो जरूर करने हैं, क्योंकि मोस्टली पास पेपर में से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, सेंडअप्स वगैरह में भी रिपीट होते हैं, तो आपने पास पेपर जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, और बाकी आपने जो है शहीन अनुसत या शर्मिला जो शॉर्ट बुक है वहाँ से कर लेने, या जिधर से भी आपने पहले किए हुए हैं वहाँ से कर लेने हैं। ठीक है, वैक्सीन जिप्सम इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है ये भी मकेब पर भी छोटे छोटे आप वहाँ से भी कर सकते हैं, और मकेब के जो लास्ट वाले MCQs हैं वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, वो FB पेज पर भी अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है CD। CD जो है इसकी एपिडेमियोलॉजी वाला जो चैप्टर है इसमें से ऑलमोस्ट कभी कभी 3 SCQs आते हैं। ठीक है, यानी कि 3 SCQ, यानी कि अगर आपने एपिडेमियोलॉजी अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है तो आपके 9 मार्क्स जो हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अब 3 SCQs अगर आएँ। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी जो है इसमें से भी कभी कभी 1 क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद चैप्टर 1, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, इन तीनों चैप्टर्स में से भी 1 SCQ मोस्टली आया होता है। ठीक है, यानी कि इन इस पूरे चैप्टर में, इन 3 चैप्टर में से आपको 1 SCQ आ सकता है। तो ये वाले चैप्टर्स और ये वाले चैप्टर्स ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, इनके जो आपने
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मोस्टली वही आपने सी डी के करने हैं, इनके पास्ट पेपर अच्छे तरीके से करने हैं और जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कम्प्लीटली आपने गो थ्रू कर लेना है। तो ये आपका जो है 24 डेज में हाफ सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा हर सब्जेक्ट का, ठीक है। 50% आपकी तैयारी जो है इन 24 डेज में हो जाएगी। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है जो नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट आपने 7 डेज जो देनी है फार्मा को, उसमें डेंटल फार्मा आपने 2 दिन करनी है, ENS 2 दिन करना है, कीमो आपने 3 दिन करनी है, ठीक है। कीमो जो है उसको आपने 3 दिन देना है और उसमें जो, ठीक है, जो कीमो है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है पहले 4 चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एंटी कैंसर, एंटी फंगल, एंटी वायरल, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले ये जो लास्ट वाले 3 चैप्टर्स हैं इनमें से 1 SEQ आना है और 3 MCQs आना है, ठीक है। और जो पहले 4 चैप्टर्स हैं इनमें से 2 SEQs आने हैं, ठीक है, और MCQs भी ज़्यादा आने हैं। तो कीमो जो है ये आपकी 18 मार्क्स की है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है BS का, आपने सेक्शन डी और सेक्शन ई जो है 2 दिन में कर लेना है, ठीक है। इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपने कम्प्लीटली कर लेने हैं। उसके बाद देन पैथोल वायरस आपने करनी है, इसको भी आपने 6 डेज दोबारा से देने हैं। इसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन वाला जो चैप्टर है वो 2 दिन में आपने करना है, ठीक है। हीलिंग एंड रिपेयर भी इसमें ही आ जाता है। तो 2 दिन में आपने ये इन्फ्लेमेशन वाला कंप्लीट चैप्टर करना है, फिर डोज करनी है, पास्ट पेपर्स करने हैं और रोबिन्स के जो टेबल्स हैं सबनी टेबल्स वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं और जो मॉर्फोलॉजी वाले टेबल्स हैं वो भी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सेम फॉर द हीमोडायनेमिक्स एंड बैक्टीरिया एंड इम्यूनोलॉजी, इसको अलग अलग से आपने 3 दिन देने हैं, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है तो उसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके लिए एक शॉर्ट बुक है बैक्टीरियोमा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं और लिविंसन के लास्ट जो समरी टेबल्स समरीज बनी हुई हैं बैक्टीरियाज की आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जो लेविंसन के लास्ट में MCQs हैं वो आपने कंप्लीटली कर लेने हैं। तो बैक्टीरिया जो है ये आपका 2 दिन में इजीली कंप्लीट हो जाएगा। समरी टेबल्स, पर्ल्स जो हमारे चैप्टर्स के लास्ट में लिखे हुए हैं वो, और देन आपने बैक्टीरियोमा, ये 3 चीज़ें जो है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद इम्यूनोलॉजी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपने इसको पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंगली जो है इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। पास्ट पेपर इसके अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। हीमोडायनामिक्स जो है इसमें से भी 1 SEQ आना है, 1-2 MCQ जाना है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको इसमें से इसकी डेफिनेशन और फेट वगैरह जो है थ्रोम्बोसिस वगैरह जो है वो आपको बताना चाहिए, लेकिन आप 1 दिन में फिर डोज से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है डीएम। डीएम जो है इसमें एलॉयस इंप्रेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलॉयस में से जो है मोस्टली 2 से 3 SEQs जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। 3 SEQs मोस्टली एलॉयस में से आते हैं, तो एलॉयस को अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद इंप्रेशन, इंप्रेशन को आपने 2 दिन देने हैं, इसमें से MCQs ज़्यादा होते हैं, SEQ 1 आता है, ठीक है, और ये बहुत लंबा चैप्टर है। उसके बाद पॉलीमर्स एंड सीमेंट्स आ जाता है, पॉलीमर्स भी आपने 1 दिन में करने हैं और सीमेंट्स भी आपने 1 दिन में करने हैं, ये पास्ट पेपर्स करने हैं, ठीक है, और या शाहीन अनुसार आप कर सकते हैं। उसके बाद सीडी जो है इसका सेक्शन डी जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आपने 3 दिन, इसको 2 दिन ई को, और सेक्शन एफ जो है बायोस्टैटिक्स वाला उसको आपने 1 दिन में प्रिपेयर करना है। उसके बाद देन हमारे पास इतने में आपका क्या होगा कि आपकी अब 90% तैयारी जो है वो हो जाएगी इन 2 वीक्स इन 2 पार्ट्स में, ठीक है। ये पोर्शन मैंने बनाए हैं, यानी कि 2-2 वीक्स आपने हर सब्जेक्ट को दिए, तो 1 मंथ में ऑलमोस्ट आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है उसके बाद नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है, CNS को 3 दिन देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने 1 दिन जो है वो BS का सेक्शन बी रहा है, ठीक है, उसको देना है 3 दिन। उसके बाद आपने सेल इंजरी माइकोलॉजी, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। सेल इंजरी भी आपने उसी तरह से प्रिपेयर करना है कि पहले फिर दोस्त करनी है, पास पेपर्स करनी है, देन आपने रोबिन की जो मॉर्फोलॉजी वाले जो टेबल्स बने हुए हैं वो प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, क्योंकि सेल इंजरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास बैक्टीरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, सेल इंजरी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोसिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 3 और टॉपिक्स जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, इन्फ्लेमेशन भी ये बहुत अच्छे से अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपकी 50% तैयारी जो है वो हो जाएगी पैथ होगी, ठीक है, और बाकी 50% जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनसे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 50 भी नहीं बल्कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बताया इनसे 60% तैयारी जो आपकी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है, उसके बाद 3 दिन आपने जो छोटे टॉपिक्स हैं पॉलिशिंग वाले, इम्प्लांट्स वाले, ये आपने कर लेना है, और कोई 1 दिन में आपने अगर आपका पीछे से कोई चैप्टर रह गया तो उसको आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये ईजी लगता है या आपने पास पेपर्स किया या आपने कर लिया 1 दिन में भी ये हो सकता है, ठीक है। तो बाकी जो 2 दिन होंगे उसमें आपने कोई भी चैप्टर जो आपका रह गया या आपने रिवीजन करनी है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने के जो है वो 60 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद ये 3 दिन मैंने ऐड किए कि अगर आपका कोई टॉपिक वगैरह रह गया आपके पास टाइम है तो आप इसमें रिवीजन में दे सकते हैं, ठीक है। या आपका कोई भी टॉपिक इसमें से रह गया हो तो उसको आप यहाँ पे करके तो 63 डेज में आपका ये सारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कुछ बच्चे जिनका 1 मंथ के बाद सेंड अप है, ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि हम किस तरह से प्रिपेयर करें, तो उनके लिए यह है कि वो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करें, ठीक है।
लाइक ये सी एन एस वाला, सी एन एस में से आपको प्रॉफ में जो है वो 30 मार्क्स का पेपर आना है, ठीक है। ये जितने भी चैप्टर्स मैंने लिखे हैं इन सब चैप्टर में से एक एक ऐसे क्यों आना है, तो आपने यही चैप्टर्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, इनके जो चैप्टर्स की डिटेल है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो इसमें से आपको 30 मार्क्स का पेपर आएगा प्रॉफ में, ठीक है। तो जो सेंटअप्स होते हैं उसमें भी प्रॉफ की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वही की जाती है। तो आपने 30 मार्क्स का ये पेपर है तो आपने सी एन एस वाले करना है, देन आपने ये वाला पोर्शन करना है। ये आपका जो है डेंटल फॉर्मेट 12 मार्क्स का है, कीमो जो है ये आपकी कीमो आपकी जो है वो 18 मार्क्स की है, ठीक है। कीमो आपकी 18 मार्क्स की है और डेंटल फॉर्म आपकी 12 मार्क्स की है। सी एन एस जो है 6 मार्क्स का है, तो यानी कि उसके पहले आपने ये वाला पोर्शन करना है, उसके बाद ये वाला पोर्शन करना है, तो आपके 60 मार्क्स जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास ऑलमोस्ट उसके बाद फिर आपने ये वाला टॉपिक करना है, ठीक है। ये आपका 12 मार्क्स का यानी कि इसका लेक्स है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आपने इसलिए मैंने उसको पहले रखे कि कुछ बच्चे ये चैप्टर्स छोड़ देते हैं, तो आपने जब भी स्टडी स्टार्ट करनी है तो आपने ये वाले चैप्टर्स पहले कर लेने हैं अगर आपने कॉलेज में पढ़ लिए, तो नहीं तो आप इनमें से कोई भी टॉपिक आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने पहले ये वाले चैप्टर्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं ताकि आपने जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको ईजिली कर सकें। ये सारे चैप्टर्स आपने कॉलेज में टेस्ट वगैरह होगी होंगे, आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक है, आपको आते होंगे, लेकिन आपको ये वाले चैप्टर्स नहीं आते होंगे तो आपने ये पहले प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से बाकी चैप्टर बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं उनका भी इसी तरह से अलाइनमेंट आपको बताया, इसमें से 2 से 3 SEQs आते हैं, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, बाकी समय से एक एक SEQ आएगा और 15 SEQs बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा आपने इसी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो बाकी बचेगा उसकी आपने रिवीजन कर लेनी है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि डेली के 3 hours आप पढ़ें। 3 hours आप पढ़ेंगे तो डेली अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सारे चैप्टर्स जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। पैथो में ज़्यादा टाइम आपको लगेगा क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आपने 3 to 4 hours जो है उसको पढ़ लेना है, या किसी सैटरडे संडे वाला दिन मतलब आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, उस दिन आप बड़ा टॉपिक रख लें, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद जी, और जो बच्चे जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि बाकी वीडियोस भी आपके साथ अपलोड कर दी जाएँ। और इनकी जो वीडियोस हैं यानी कि मार्किंग है चैप्टर्स की, जैसे वैक्सीन सिम डीएम पैथ वगैरह की, मैंने अवेलेबल है BDS सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो वीडियोज़ हैं वो भी जो है मार्किंग की जो है जल्दी अपलोड हो जाएंगी, वो आप देख लीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और व्हाट्सएप का ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लीजिएगा, उसमें सारे लिंक्स अवेलेबल्स हैं, फेसबुक का पेज का भी अवेलेबल, ठीक है। और थैंक यू सो मच, लव यू।